हरियाणा शिक्षा बोर्ड की गलती के चलते भाटिया नगर के दो बच्चों को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। दोनों छात्रों के 12वीं कक्षा में विभाग की गलती के कारण अंक कम होने की वजह से उच्च सरकारी संस्थान में दाखिला नहीं हो पाया। अगर इन छात्रों को अपनी मेहनत पर भरोसा ना होता और ये गौर ना करते तो ये लापरवाही शायद सामने भी नहीं आती। अब बच्चों ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए रीचेकिंग में खर्च हुई राशि और अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाने की मदद मांगी है। जब 18 मई को रिजल्ट आया था मेरा हरियाणा बोर्ड के द्वारा, उस समय मेरे मार्क्स बहुत कम दिखाए गए, 471 मार्क्स थे, लेकिन मुझे ज़्यादा की उम्मीद थी तो मैं पहले शीट निकलवाने के लिए 500 रुपये भरे। उसके बाद जब शीट चेक को कराई तो उन्होंने सही चेकिंग नहीं कर रखी थी। फिर इसके बाद मैंने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा, जिसके बाद मेरा रिजल्ट अपडेट हुआ और 484 नंबर हो गए। लेकिन मेरा पहले सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, वो नहीं हो पाया और अब मुझे किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ रहा है। मेरे 13 नंबर पड़े इंग्लिश के।